નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે. આરપીઆઈ એ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી અમદાવાદના નિકોલ મંગળ પાંડે હોલ ખાતે બાબા સાહેબ આંબેડકર ગૌરવ પુરસ્કાર એનાયત કરવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં રિપબ્લિક પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા એના ગુજરાત લઘુમતી મોરચાના મહિલા પ્રમુખ ગુજરાત સબાનાબાનુ રિઝવાન પટેલ તેમજ અમદાવાદ જિલ્લા પ્રમુખ કિરણ પાટીલનું કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેના હસ્તે બાબા સાહેબ આંબેડકર ગૌરવ પુરસ્કાર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત અમદાવાદના શીતલ વર્ષા મહાવીર કોમ્પ્લેક્સ બહેરામપુરા ખાતે આરપીઆઈ એના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મંત્રી રામદાસ આઠવલેનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું અને તેમનું શાલ ઓઢાડી તેમજ મોમેન્ટો આપી શબાનાબાનુ રિઝવાન પટેલ અને કિરણ પાટીલ તરફથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ, સંજીવ રાજપૂત. हाँ, तो गुजरात में आज मैं आया था. यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी है, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, तो जो अशोक भट्टी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों का सम्मान रखा था. उसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी को अपने अपने जिले में मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है, उन कार्यकर्ताओं को काफी रिपब्लिकन गौरव सम्मान के माध्यम से उनका सम्मान करने का प्रोग्राम आज रखा गया है. हॉल का नाम क्या है? मंगल पांडे हॉल. मंगल पांडे हॉल में आज का समारोह रखा गया था और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का उसमें सम्मान हुआ. आज यहाँ मैं आया हूँ जो शबानाबेन पटेल जी, जो मतलब हमारी रिपब्लिकन पार्टी की महिला लीडर भी है, माइनॉरिटी की लीडर भी है, उनके ऑफिस को भेंट करने के लिए आज मैं इधर आया हूँ. और हम सब लोग मिलकर मतलब रिपब्लिकन पार्टी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबको साथ में लेकर पार्टी को मजबूत करने की भूमिका हमारी है और उसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं. हम गुजरात के सभी जनता को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं. माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश खुशहाली से आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है. माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मतलब पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का सपोर्ट करके 2024 में मतलब एनडीए की सरकार लाने के लिए हमारी कोशिश जारी है और हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है. लोकहित के कार्य के लिए कार्यकर्ताओं की अपील करनी है.